3:30, और उस दिन भी मैंने 4:30 बोल दिया था शायद। हाँ 4:30 बजे शहरी बंद भी हो जाती है। और ये मोटा 3-4 दिन से डेली जाग रहा है क्योंकि इसके स्कूल बंद है और इसने पराठा फेंक दिया जंगली इंसान ने। अब गर्म हो रहा है, जाहिर सी बात है। बस इसके स्कूल बंद है, जब इतनी इसकी छूट मिल चुकी है इसके, वरना तो ये 10 बजे सो जाए क्योंकि इकरा स्कूल जाते रहे वहाँ पर। जो बच्चे इकरा स्कूल में जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं सारे। जब नाम के बोलते हैं कि इकरा स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं भाई आम स्कूल वाला ही है इनका भी। और तो अभी तो उसकी छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो जब ही इतनी आवारा गर्दियाँ कर रहा है और पूरी रात जागता है, रात को 2-2 बजे घर में आ रहा है, बच्चों के साथ बाहर ओनो खेल रहा होता है। ये उमर अहमद और ये सामने हमारी गली में रहते हैं, इनके साथ ओनो खेलता रहता है 24 घंटे। हाँ वीडियो में भी 1-2 दफ़ा आए, वो जो सुबह कुत्ते पकड़ लेते ना वही। तो अब देखें क्या होता है। अभी अम्मी सहरी बनाने में लगी हुई हैं और सहरी बन रही है बाहर, और मामा को भी उठाने जाना है। अम्मी मोहानी को उठा दिया? नहीं उठाया, चलो उठा के आते हैं, ऊपर जाके मिलता हूँ। हाँ तो हम ऊपर आ गए और उठे हुए तो नहीं है शायद, देखते हैं 2 मिनट। हाँ तो मोहानी को उठा दिया और वो उड़ रही हैं। चलो मिलते हैं फिर नीचे। अभी तक खैर वो तो शुरू नहीं हो गए नात वात पढ़ना, तो होंगे थोड़ी देर में, देखते हैं। ये देखें चाँद, देखें कितना सीन चाँद हो रहा है, उसके पास से बादल गुजर रहे हैं और ज़्यादा सीन लग रहा है। इतना खूबसूरत चांद हो रहा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि मत पूछे। ये कैमरा थोड़ा जूम किया हुआ था, अब ठीक है। तो अभी हमारी मोमानी ने मोबाइल तोड़ दिया है, दिखाओ। सिम भी अलग बेचारे की, ये गिरते रहते हैं बेचारा, इसका कोई काम नहीं है। दिल्ली शायरी बना लो, दही ला के दूँ, दही सालन भी। आज हमारे घर में कड़ी चावल होने, कड़ी चावल समझे, नटी नटी। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए और अब मैं पीऊँगा पानी। कोल्ड ड्रिंक है, मजा आ गया। हाँ सबको पता है पानी है, तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं है पानी है, यानी पानी पी लिया है। अब ये कि नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह, बाय। ओके उठ चुका हूँ, अभी उठाऊँ और अजानें हो गई हैं, अभी भी दूर दूर की हो रही हैं। हाँ तो मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका था और अफ्तारी का टाइम हो गया था, अफ्तारी कर लेते हैं, मैंने सोचा कि आज अफ्तारी भी आपको दिखा दें बस। हम जा रहे हैं अतीब भाई की दुकान पे, मेरे भाई हैं, भाइयों जैसे ही हैं, दोस्त हैं। तो अभी जा रहे हैं उनकी दुकान पे, थोड़ी देर बैठेंगे, उनकी ज्वेलरी और मतलब मेकअप वेकअप कॉस्मेटिक की दुकान है, वहाँ जाते हैं, देखते हैं थोड़ी सी बहुत तफरियाँ हो जाएंगी और ब्लॉग भी एडिट कर लेंगे वहीं बैठे बैठे। तो अब वहीं मिलते हैं, वो आ रहे हैं लेने के लिए। हमारा दोस्त सामी मनूस इसने मुँह घुमा लिया, ये अतीब भाई, अतीब भाई शक्ल दिखाओ, मेरी अभी अच्छी नहीं आ रही होगी, हाँ लाइट में दिखाना। ये सामी मनुष, ये काले ही सदा का, ये अच्छा आ रहा है, ये अच्छा आ रहा है। ये है हमारे अतीब भाई की दुकान, कुछ भी चाहिए और ले लो, खैर इसका कोई नाम नहीं है अभी, अभी सिर्फ इसकी अतीब नाम है, तो लिखवाओ ना यार, तेरी तो मैं डालूंगा। दे अतीब भाई क्या दिखा रहे हो तुम ब्लॉग में, बैठे हैं अतीब भाई की दुकान पे और बोरियाँ धो रही और कुछ भी नहीं हो रही। और ये अतीब भाई और वो मनुष जिससे ट्रीट मांग रहे थे मर रहा है, तो बिरयानी खिलाने में मर रहा है, बिरयानी खिलाने में। तो बस क्या कह सकते हैं, काम यही है भाई, मरते हैं, हमारी बड्डे आती है सब आ जाते हैं, लोगों की आती है लोग भागते हैं, बस क्या कह सकते हैं। चले मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद घर जाके, हाँ घर जाके अभी ब्लॉग क्या एडिट करना है, टाइम क्या वाला टाइम हो रहा है, 10:45 बजे तक घर तक जा, घर पर जाके ब्लॉग भी एडिट करना है, मिलते हैं घर पर। भाई की दुकान से आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, और अभी तक ना ही व्लॉग एंड हुआ है और ना ही एडिट हुआ है, तो अभी एडिटिंग भी बाकी है व्लॉग की, अभी तो काफ़ी काम बाकी है। आज शायद लेट आए, 1 बजे तक आई थिंक आ जाएगा व्लॉग, तो बस यही है कि अभी एडिटिंग करूँगा और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे कल सुबह नहीं आज सुबह, अब जो सुबह आने वाली है उसमें मिलेंगे सहरी में। और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं माशाल्लाह से व्लॉग को, और आप भी सपोर्ट करें अच्छी बात है, बस मैं भी हिम्मत नहीं हारूँगा, आप भी हिम्मत ना हारना ये शक्ल देख देख के, और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं फिर, ओके बाय।